33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन उसमें फिजिकल कुछ ही देव हैं, जैसे पृथ्वी, जल और आकाश और दीपक देवता और सूर्य नारायण। कभी भी ब्राह्मण पूजा करवाएंगे तो पहले पृथ्वी की पूजा होती है, फिर सूर्य नारायण की पूजा होती है और साक्षी में दीपक देवता होते हैं। कोई भी पूजा सूर्य नारायण और दीपक देवता की हाजिरी में होती है, क्योंकि इनके साक्षात हम दर्शन कर सकते हैं। तो कभी भी आप नदी में स्नान करने जाएं तो पूर्व दिशा की तरफ ध्यान करके स्नान करें। पूर्व दिशा यानी सूर्य भगवान की दिशा है, तो इंफ्रारेड रेज शरीर में जाते हैं और आदमी बीमार नहीं पड़ता। और जब भी नदी में स्नान करें तो चार डुबकी लगाएं, और पहले सूर्य नारायण को अर्घ दें और उसके बाद में चार डुबकी लगाएं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये संसारिक लोग लगाते हैं, और इससे ज़्यादा डुबकी अगर लगानी हो तो डुबकी आप लगा सकते हैं, एक मेरी और परिवार की, दूसरी डुबकी गुरुजनों की, तीसरी डुबकी पितरों के नाम से, और चौथी डुबकी आपके सज्जनों के नाम से, जो आपके शुभ चिंतक हों, जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, क्योंकि सबके नाम तो आपको उस समय याद नहीं आएंगे। ध्यान रखिए, जब तक आपका सिर अंदर नहीं जाता है पानी में, उसको डुबकी नहीं गिना जाता है। वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से अगर आप मंत्र बोलते हैं, गंगाचल, यमुनाचल, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जालेश्वरी, सानेरेम, गुरु, तो सभी नदियों का वास वहाँ पे आ जाता है। मन से अगर आपने डुबकी लगा दी तो वो डुबकी काउंट हो जाती है, लेकिन फिर भी हो सके तो पूरी डुबकी लगाएं, अदरवाइज उसको छींटा गिना जाता है। बाकी अगर मन से आप घर बैठे भी लगाएंगे तो वो डुबकी गिनी जाती है। तो हर हर गंगे नर्मदे, हाँ।